कैथल जिले में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए प्रशासन द्वारा बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे शहर पर नजर रखने के लिए 5 ड्रोन कैमरों की सहायता ली जा रही है। लोगों को बिना वजह घर से निकलने से मना किया जा रहा है। दुकानदारों को भी अपनी दुकानें नियत समय तक ही खोलने के लिए पाबंद किया गया है। 5 ड्रोन कैमरे दे रहे की ड्रोनों की पालना करे, आवारा न घूमे, बगैर काम के घर से न निकले। सभी दुकानदार भाइयों का आदेश दिए जा रहे हैं कि वे 8 से 11 बजे तक ही दुकानें खोलेंगे। इसके अलावा उन्हें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैथल नगर परिषद द्वारा 450 सफाई कर्मचारियों को मास्क, ग्लोव और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। आपात स्थिति में ड्यूटी दे रहे सफाई कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा की चिंता करने के लिए सरकार का आभार प्रकट किया है। हमारे सभी कर्मचारी को ईएसआर के द्वारा ग्लव्स भी दे दिए गए हैं जी, और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए और मास्क भी जी, और सभी को अगर दोबारा फट जाते हैं तो दोबारा फिर प्रोवाइड किए जाएंगे दिए जाएंगे ताकि कर्मचारी वर्ग भी महामारी से बचा रहे। 400 से 450 कर्मचारियों में सब में बांटा गया जिला प्रशासन जी, मास्क और सैनिटाइजर जी सभी कर्मचारियों को उपलब्ध करवा दिया गया जी। सफाई कर्मचारी वर्ग अपील करते हैं कि सारे के सारे समाज अब अपने घरों में रहे और कोई हमारा सहयोग करे, घरों पर रहकर कोई भी बाहर ना निकले। सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है जी, और इसमें सहयोग किया जाए। क्या नाम है जी आप? हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सफाई कर्मचारी जी हमारे को दस्ताने दिए, सारी फैसिलिटी दे रहे हैं मोदी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैथल जिले के प्रभारी आईजी हरदीप दून ने बुधवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करके सहयोग की अपील की। हरदीप दून ने डॉक्टरों से अपनी क्लिनिक खोलकर बदलते मौसम में लोगों को डॉक्टरी सहायता देने के लिए कहा। आईएमए ने जिला प्रशासन को पैरा मेडिकल कर्मचारियों की ट्रेनिंग में सहयोग देने का यकीन भी दिलाया। आईएमए की मैंने यहाँ पे मीटिंग बुलाई है। मैं समझता हूँ काफी डॉक्टर्स की दुकानें बंद हैं। मैंने ये कहा है कि यदि एक सेक्टर के अंदर 2 डॉक्टर हैं तो रोटेशन से एक वो खोल लो, किसी मोहल्ले में एक ही दुकान है तो उसको खुली रखो, ताकि चेंज ऑफ सीजन है, किसी के खांसी है, किसी के जुकाम है, किसी के और है, कोल्ड डाउट है, वो दूर करो। ये हमारी मोबाइल टीम है, उसमें भी आईएमए सहयोग देगी। ओपीडी की जो हमारी इमरजेंसीज हैं आईएमए वाले वो भी खोल लेंगे। हमारे सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगे हैं, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग भी आईएमए वाले देंगे और एक टीम की भांति काम करेंगे। यहाँ पे लगभग 100 के करीब कैथल में आईएमए के डॉक्टर्स हैं। आईएमए की पूरी एसोसिएशन, इनके प्रधान मिस्टर मित्तल, सेक्रेटरी और जितने भी डॉक्टर्स आए, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल जिला प्रशासन के कामकाज के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।